हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ना, मैं चंदन आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ मेगर में। आज की क्लास हम लोग बिहार एसएससी जो 2013 में जो एग्जाम ली हुई थी उसका हम लोग मैथ का क्वेश्चन और रीजनिंग का क्वेश्चन हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट हम लोग करते हैं और जो भी क्वेश्चन आता है उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से ट्रिकली और कॉन्सेप्ट के साथ उस सबको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे फर्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया है, 92 नंबर में दिया गया है कि 44,806 संख्या को यदि निकटतम हजार में बदलना हो तो क्या होगा। देखिए जो 44,806 है इसका निकटतम कितना होना चाहिए बताइए। तो 44,806 है, क्या यह 44,000 करीब है? नहीं, ये किसके करीब है तो बताइए, 45,000 के करीब है। इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर 45,000 करीब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 93 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, राम और रहीम की ऊंचाई का अनुपात यदि 7:8 है, यदि रहीम का ऊंचाई का अनुपात 66 है तो राम की ऊंचाई बताइए। चलिए यहाँ देखिए 66 टोटल ऊंचाई दिया है किसका, रहीम का। रहीम का ऊंचाई दिया गया है ना, रहीम दूसरे के नंबर में यानी 8 वाले, 8 नीचे डालेंगे और यहाँ 7 से गुणा कर देंगे, बात जो भी आंसर आएगा वो हम लोग करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ कटा लेते हैं जो कटने वाला है उसको। यहाँ 33 मरतब में कट जाएगा, यहाँ 4 मरतब में कट जाएगा, यानी फाइनली हम लोग 3 से गुणा कर देते हैं। इसके एक हाथ में कितना लगा 2, 71 वो और 2 कितना हो जाएगा 23, वाटा कितना हो जाएगा 4। इसका आंसर देखिए कितना रहा है, कितना मरतब में जाएगा, 5 मरतब में जाएगा, 5 होगा 20, बच गया 3 1, 7 होगा 28, 57.1 कुछ आएगा। 57.1 कुछ क्या है, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही मेरा है। 57.1 कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, पूरा कटाइएगा। तो एग्जाम में आपको थोड़ा थोड़ा ही क्लिक करना है, इसी तरह आंसर आपको मांगते रहना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए 94 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3/5 को प्रतिशत में बदलना है कितना हो जाएगा बोलिए। 3/5 दिया गया, उसको प्रतिशत में बदलने के लिए कितना से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, यानी कितना आ जाएगा, इस 20 मरतब में जाएगा, 60% आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन से पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए बिहार एसएससी का मैथ होता है ना पूरा जीरो लेवल का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया देखिए आप, 95 नंबर क्या कहता है, यदि एक मकान 50,000 में खरीदते हैं और 80,000 में बेचते हैं तो प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा। कुछ मत कीजिए आप, पहले जो भी जीरो है उसको निगलेक्ट कर दीजिए, आपको जीरो से कोई मतलब ही नहीं रहते। अब सीधे क्वेश्चन हो गया, 5 का कोई सामान है उसको हम 8 में बेचते हैं तो उसमें बताइए कि प्रॉफिट कितना होता है। तो 3 का प्रॉफिट होता है कितना पर, तो 5 पर, और गुना कितना कर दीजिए, 100 कर दीजिए। जो भी कटने के बाद आंसर आता है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 मरतब में हुआ यानी कितना जाएगा, इसका भी 60% आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको कितना में दिया गया है, सी में दिया गया है, यही आपका आंसर सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 96 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। यदि एक विक्रेता का कमीशन 28% है तो वह 7,500 रुपए की कीमत का माल कितने बेचेगा। चलिए कुछ नहीं करना है आपको, 7,500 का 28% आपको निकालना है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटा 100 होता है, या इसी को हम लोग प्रतिशत से ही हम चाहे तो क्या करते हैं, 2 जीरो को हम लोग काट देते हैं, यानी 75 गुणे आपको 28 करना है। ठीक है, इसको गुना कीजिए कितना में आएगा बोलिए। चलिए गुना ही कर देते हैं हम लोग, यहाँ सिंपल गुना करते हैं, 75 ऊपर लिख देते हैं और 28 नीचे लिख देते हैं, गुना करते हैं, 8×40 से जीरो हाथ में कितना बचा, 4, 8×56=4=60 और 70 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, हाथ में कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7×14 को 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, यानी 21 आंसर करेक्ट हो जाएगा हम लोग। इसको जब गुणा करेंगे तो कितना जाएगा हमारा, 21 आने वाला। ठीक है, चलिए 21 आपको एक नंबर क्वेश्चन का आंसर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेषन देखिए, प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग कितना होगा। चलिए इसको हम इसको पहले ट्रिक से बताएंगे और उसको पहले पूरे बढ़िया से बताते हैं पहले, उसके बाद में चलिए सबको मिटाते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है। चलिए प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग बताइए, पहले विषम संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, दूसरा का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तीसरा का 6 हो जाएगा और चौथा हो जाएगा, ये सबको जोड़िए कितना आ रहा है, जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा, और 6 12 हो जाएगा, 8 20 हो जाएगा। नहीं, प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग बोला है, विषम संख्या, विषम संख्या ये तो सम संख्या हो गया ना, सॉरी हमको विषम संख्या लेना है। चलिए विषम संख्या यानी कितना हो जाएगा, और 1 हो जाएगा, दूसरा का 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, इसको काउंट कीजिए कितना हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 4, इसको जोड़िएगा तो 9, इसको जोड़िएगा तो 16,
यानी कितना आया, 4 का स्क्वायर हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि जो को विषम संख्या का योग पूछेगा ना, उतना संख्या का आप स्क्वायर कर दीजिएगा। अगर आपसे पूछता है कि प्रथम एन विषम संख्याओं का योग कितना होगा, एन विषम संख्या है ना, सीधे कर दीजिएगा एन का स्क्वायर, ठीक है। यही फॉर्मूला आप याद कीजिए, इसी से हिसाब से बन जाएगा। जैसे बोला है कि इसमें प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, तो बस सीधे 4 संख्या पूछा, 4 का स्क्वायर कर देंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा का नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको क्या कह रहा है कि 98 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उसका सोल्यूशन क्या है कि 2 × 3 + 4 है, कितना जाएगा, 7 × 2 = 14 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें देखना है कि किसका 14 आ रहा है। सबसे पहले लास्ट से हम ट्राई करते हैं, 3 × 2 = 6 और 4 × 2 = 8, यही 14 आ जा रहा है, यही करेक्ट हो जाएगा। जब भी इस तरह का पेचीदा क्वेश्चन आता है तो उसको लास्ट से ट्राई करने की कोशिश कीजिए ऑप्शन से, बाकी हम ऊपर से भी देखते हो तो 4 नंबर में जाते, ठीक है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है। 99 नंबर क्वेश्चन बोला है, यदि 24 व 32 में से 8 घटाया जाता है तो संगत अंकों का अनुपात क्या है। 24 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 32 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसका अनुपात कितना हो जाएगा, बोलिए 8 से भाग देंगे तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा, 2 अनुपात 3। ऑप्शन नंबर कितना है, 1 करेक्ट हो जाएगा। यदि एक कक्षा में 50 छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंक 2624 है तो इस कक्षा में छात्रों का औसत क्या हो जाएगा। देखिए औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, कुल योग बटे संख्या, जितना संख्या रहता है वही हो जाता है। इसमें देखिए कितना कुल अंक कितना है, 2624 है, संख्या कितना है, 50 है, तो 50 संख्या से गुना करना है, जिसको हम 50 को क्या करते हैं, 100 बनाने के लिए ऊपर से 2 से गुना कर देते हैं, ठीक रहेगा। चलिए 24 × 2 = 48 हो जाएगा, 24 × 2 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, और 100 से गुना किए हैं तो यानी 2 अंक से पहले दशमलव लगा देंगे, यानी 52 और 2 कितना हो जाएगा, 48 आंसर हो जाएगा। 52 और 48 क्या है, ऑप्शन हमारा कॉपी में दिखेगा, यही ऑप्शन है जो आपको सफलता दिलाएगी, यानी इसी तरीका को अपनाइएगा तो जल्दी सफल होइएगा। 50 से भाग देने बैठ जाए तो हम लोग टाइम लगने लगे, बरसात तो उसको क्या करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं, तो गुना करना क्या हो जाता है, आसान हम लोग को हो जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, 101 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इस अंक को यदि 1 से 9 तक के से गुना करें तो गुणनफल का अंकों का योग प्रत्येक दशा में इस अंक के बराबर होता है। इस अंक को यदि 1 से 9 तक से गुना करें तो गुणनफल का योग प्रत्येक दशा में क्या होता है, बराबर होता है। तो सोचने दीजिए भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन। माइंड में नहीं आ रहा है क्वेश्चन क्या कर रहा है। सोचिए क्या होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस अंक के यदि 1 से 9 तक गुना करते प्रत्येक दशा में 9 ही होता है। चलिए ठीक है, हाँ इस अंक 1 से 9 तक में ना, यानी 9 ही ऐसा संख्या है जिसके प्रत्येक दशा में गुणनफल क्या होता है, 9 होता है। जैसे कि 9 या 9 9 हो जाए या 9 9 9 हो जाए, इसको अगर गुना भी करते हैं किसी संख्या से, किसी संख्या से कर दे, 1 कर दे, 2 कर दे, 3 कर दे, इसी का रिपीटेशन कर तो क्या हो जाएगा, सबका जब जोड़ कीजिएगा गुणनफल के अंकों का योग तो क्या होता है, 9 ही होता है, ठीक है। अब चेक कर दीजिए, इसको 9 आ जाएगा, इसको 9 × 2 = 18, 1 बार जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 × 2 = 18 फिर कीजिएगा, फिर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा अंकों, फिर 9 9 9 9 × 3 = 27 को 1 बार जोड़िएगा तो 7 × 2 = 9 हो जाएगा, 9 × 3 = 27, फिर इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 9 ही होगा, ठीक है। चलिए इस अंक के अतिरिक्त प्रत्येक अंक के न्यूनतम 2 कारक होते हैं, इस अंक के अतिरिक्त प्रत्येक दशा में न्यूनतम 2 कारक होते हैं।
इस अंक के अतिरिक्त प्रत्येक अंक के न्यूनतम दो कारक होते हैं। अच्छा, अगर बोलेगा आपसे कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, दो अंक की सबसे छोटी संख्या दो हो जाएगा, और तीन अंक के प्रत्येक छोटी छोटी संख्या 100 हो जाएगा। यानी इसमें देखिए आप, इस अंक के अतिरिक्त प्रत्येक अंक के न्यूनतम अंक दो कारक होते हैं, यानी 0 और 1 हो रहा है और दो अंक आ रहा है, लेकिन यही एक एक है इसको छोड़कर बाकी क्या है, दो अंक में कन्वर्ट हो जा रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा बताइए, जानते हैं सम संख्या का अंकों का योग कितना होता है, n×n+1 होता है, n×n+1 होता है, यही फॉर्मूला है। यानी कितना हो जाएगा आपका 25×26 हो जाएगा, जब कीजिएगा तो इसको कितना हो जाएगा, 25×26 कीजिए 650 आएगा, क्योंकि 25 में 25 से गुना कीजिए 650+25 कर दी, 625+25 कीजिए 650 आ जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपको 1 में दिया गया है। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 20 के स्क्वायर हो जाएगा, पीछे भी पढ़ चुके हैं वहाँ से। ठीक, एक लड़का मेले में 3 स्टॉलों पर जाता है, प्रत्येक स्टॉल पर वह 1 रुपये प्रवेश शुल्क देता है तथा शेष आधा धन स्टॉल पर खर्च कर देता है तथा 1 रुपये बाहर जाने का शुल्क देता है, तो अंत में उसके पास 3 रुपये शेष बचता है, तो उसके पास प्रारंभ में कितने रुपए थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसको, चलिए ऑप्शन से इसको हम ट्राई करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन उठाते हैं, ऑप्शन नंबर 1 को उठाते हैं और ट्राई करते हैं। एक लड़का प्रत्येक स्टॉल पर वह 1 रुपया खर्च कर देता है, 54 में से 1 रुपया हम अगर खर्च करते हैं तो कितना बचेगा, 53 रुपया, बट इसका आधा करते हैं तो 0.2 आने लगेगा, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट नहीं होगा। ठीक, अब ऑप्शन नंबर हमको बी को ट्राई करते हैं। 45 माइनस 1 करते हैं, प्रवेश शुल्क देते हैं, प्रत्येक स्टॉल पर वह 1 रुपया प्रवेश शुल्क देता है, तो कितना बचा, 44 रुपये बचा, और उसके बाद में प्रवेश का शेष आधा धन स्टॉल पर खर्च कर देता है, आधा धन स्टॉल पर खर्च करता है यानी 22 रुपये खर्च कर देता है, फिर उसके पास कितना बचा, 22 रुपये बचा, 22 रुपये खर्च करने के बाद 22 रुपये बचा, तथा बाहर जाने का 1 रुपया शुल्क देता है। अब यहाँ से बाहर निकलने के लिए 1 रुपये क्या होगा, शुल्क देगा, तो कितना हो जाएगा, 21 रुपया। अब एक तो यहाँ कंप्लीट हो गया, ये प्रथम चरण हो गया कंप्लीट, और शेष 1 रुपया जाने से देता, अंत में उसके पास में एक लड़का 3 स्टॉल पर जाता है, तो एक स्टॉल पर एक कंप्लीट हो गया और दूसरा का स्टॉल पर जाता है। ठीक है, दूसरा का स्टॉल यानी 21 रुपया में से और 1 रुपया खर्चा कर देगा, फिर तो फिर इसके पास में कितना बचेगा, 20 रुपये बचेगा, 20 में से आधा धन खर्च कर देगा, 10 रुपये खर्च कर देगा तो 10 रुपये बचेगा। ठीक है, 10 रुपये बचेगा, फिर इसमें से बाहर निकलने के लिए 1 रुपया खर्चा कर देगा तो 9 रुपये बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ से क्या करेगा, यह 9 रुपया, 9 रुपया कब बचा, बाहर जाने के लिए निकलना, यानी एक चरण यहाँ भी आप कंप्लीट कर चुके हैं। अब तीसरा का चरण में देखिए, 9 रुपया में से फिर 1 रुपया पड़ेगा शुल्क देगा, तो कितना बचा, 8 रुपया, 8 रुपया का आधा रुपया, आठ रुपया का आधा खर्चा कर देता, 8 रुपया का आधा खर्चा कर देता है, वहां पर क्या करता है, स्टॉल खर्च, स्टॉल पर 1 रुपया शुल्क देता है, आधा धन स्टॉल पर खर्च कर देता है, यानी 4 रुपया खर्च कर देता है, बच गया कितना पैसा, 4 रुपया बचा, कितना बचा, 4 रुपया खर्च कर दिया, और बाहर आने के लिए फिर 1 रुपया खर्चा कर दिया, तो अंत में उसके पास शेष 3 रुपये बच गया, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ऑप्शन ही बनाइएगा, जल्दी बनेगा, इसी लेंदी हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आपको तो थोड़ा जूम करना होगा तब क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए, निम्न चित्र में से उन संख्याओं को में फेल छात्रों को दर्शाती है तथा कुल छात्र 500 है, तो उन छात्रों की प्रतिशत संख्या है जो न्यूनतम 2 परीक्षाओं में फेल हुए है। टोटल मेरे पास कितना है, 500 आदमी है, तो इसमें 2 परीक्षाओं में न्यूनतम जो फेल हुए हैं उसकी संख्या निकाला, उन छात्रों की प्रतिशत संख्या जो न्यूनतम 2 परीक्षाओं में फेल हुए हैं, यानी अधिक से अधिक 3 संख्या में फेल होना चाहिए। Thank you.
बारह 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 दो चौबीस, ये न्यूनतम दो संख्या वाला है ना, बारह दो गो, बारह दो गो, दो गो तीन गो, ये हो जाएगा। तो बारह दो चौबीस पाँच सत्रह, सत्ताईस, सत्रह गो दस गो, बारह दो चौबीस पाँच सत्ताईस, दस सैंतीस हो जाएगा। सैंतीस दो गो में फेल हुआ, टोटल 500 कर दीजिए, टोटल बटा 100 कर दीजिए, देखते कितना आता है। 500 इसको डिवाइड करते हैं, यानी इसमें हम ऊपर 2 से गुणा कर देंगे, 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 4 हाथ में 1, 3 6 1 7, एकदम 7.4 आंसर आना चाहिए। नहीं, न होगा यहाँ पर, क्योंकि 12 दूनी 24 5 29 हो जाएगा ना यहाँ पर, इसलिए तो मैच नहीं कर रहा था। 8 हो जाएगा, 7.8 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आंसर। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 107 नंबर क्या कह रहा है। अब रीजनिंग का जो भी क्वेश्चन आएगा हम लोग का, अब रीजनिंग का आएगा। चलिए रीजनिंग के एक और वीडियो में हम लोग कंप्लीट करते हैं, मैथ का टोटल क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you.